हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैड चैनल जीनियस एक्सपर्ट तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मदर ट्रेसा ठीक है जो अपना टॉपिक नंबर फोर है ठीक है ग्राफिक प्रिंट का ठीक है तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं ठीक है तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं मदर ड्रेसा इनके बारे में तो कुछ ज़्यादा बताने को हमको नहीं लगता कि ज़रूरत है ठीक है एज अ इंट्रोडक्शन ठीक है मदर ट्रेसा जो कि आपका बहुत ही वर्ल्ड पॉपुलर है ठीक है बहुत ही फेमस है ठीक है वो अपने टैलेंट के लिए फेमस है ठीक है कैसे टैलेंट के लिए फेमस है तो जो समाज सेवा होता है ठीक है उस टैलेंट के लिए जो कि हर कोई नहीं कर सकता ठीक है तो वेल पॉपुलर है ये ठीक है एज अ मदरहूड ठीक है यूनिवर्सल मदरहुड कहा गया है इनको ठीक है मतलब ये सभी को देखभाल ठीक है सभी को जो है ये उतना ही प्यार सब कुछ जो है सभी का ध्यान रखती थी ठीक है और बिना कोई घिन किए ठीक है यानी कि बिना कोई घृणा के ठीक है और वही सब कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ठीक है इसको बनाने के पीछे क्या मकसद है पेंटर का यानी कि इस स्क्रिप्चर का अगर स्क्रिप्चर बनाया गया तो स्क्रिप्टर बोलते हैं ठीक है थीके? लेकिन यहाँ पे हम लोग पेंटर बोलेंगे क्यों क्योंकि ये ग्राफिक प्रिंटर ठीक है ओके तो अब हम लोग चलिए अब यहाँ पे पढ़ते हैं ठीक है थीके? शुरू करते है. सब हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आपका मीडियम और पेंटर और डिस्क्रिप्शन ठीक है डिस्क्रिप्शन में जो छोटी छोटी बातें हैं उससे जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है ठीक है क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कुछ छोटी छोटी बातें लिख दिया जाएगा और आपको जो है उसका बोला जाएगा कि आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स लिखिए ठीक है थीके? तो वो टॉपिक आपको पढ़ा रहेगा तभी आप समझ पाओगे कि वो कौन सा टॉपिक है ठीक है तो वही जो है यहाँ पर इसलिए आपको क्या करना होगा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ डिस्क्रिप्शन को ठीक है चलिए कहानी की तरह जस्ट समझिए ठीक है बहुत ही ईजी लगेगा ठीक है समझ जाइएगा तो ठीक है रटना नहीं है ठीक है रटिएगा तो आपको याद भी नहीं आएगा ठीक है उस टाइम पर ठीक है चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग छोटी छोटी बातों को पढ़ते हैं मदर ट्रेसा ठीक है पेंटर का नाम है एम एफ़ हुसैन पूरा नाम अगर आप जानना चाहेंगे तो नाम है मकबूल फिदा हुसैन ठीक है चलिए मीडियम क्या है ऑयल एंड एक्रेलिक कलर ऑन कैनवस ठीक है ऑयल कलर का भी यूज़ हुआ है एक कलर का भी यूज़ हुआ है इसमें ठीक है पीरियड है कॉन्टेम्प्रेरी मॉडर्न पीरियड ठीक है और सिरसा है नाइनटीन सेवेंटी एडी कलेक्शन है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू डेली ठीक है ये तो एकदम आंख बंद करके कहीं पे भी ठीक है लिख देना है कहीं पे भी मतलब कहाँ तो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग के बाद से जितना भी है आपका जितना भी क्या है आपका देखिए एक है आपका कॉन्टेम्प्रेरी मॉडर्न ठीक है है ना आपका पेंटिंग्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी मॉडर्न आर्ट उसके बाद है आपका स्लिपचर्स वाला पार्ट ग्राफिक्स वाला पार्ट ठीक है तो ये तीन पार्ट आते हैं और बीच में आपका इवोल्यूशन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाला आ जाता है पार्ट ठीक है और एक और आपका आ जाता है ठीक है उसी से रिलेटेड कंट्रीब्यूशन का ठीक है तो उसको जितना भी है सब में क्या होगा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली ठीक है सिवाय एक के ठीक है द वल्चर वाला पार्ट है हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिक प्रिंट का यही पार्ट में ठीक है यही है आपका ग्राफिक प्रिंट हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसी में आपका एक पार्ट है द वल्चर उसमें आपका दूसरा है ठीक है उसका जो है पर्सनल कलेक्शन है ठीक है खैर तो एक दो आपका एक्सेप्शंस मिलेंगे ठीक है आप उसको ध्यान रखिएगा ठीक है, है तो ये चीज़ हम आपको पहले ही बता दी ठीक है ओके तो डिस्क्रिप्शन आप हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं ठीक है डिस्क्रिप्शन में देखिए क्या है क्या कुछ है ठीक है तो देखिए डिस्क्रिप्शन में मदर ट्रेसा के बारे में बताया गया है कहा जा रहा है मदर ट्रेसा जो है सीरीज़ ऑफ़ पेंटिंग जो कि कैनवास के ऊपर बनाया गया है ठीक है तो इसमें जो है ये बनाए हैं मकबूल फिदा हुसैन ठीक है एम एफ हुसैन 1979 में ठीक है एडी में ये जो पेंटिंग है आपका ऑयल एंड एक्रेलिक की मदद से बनाया गया है ठीक है मदर ट्रेसा को और ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है वर्ल्ड फेमस एफेक्शनेट मदर ट्रेसा को बनाया गया इसीलिए ये बहुत ज्यादा फेमस है ठीक है तो वर्ल्ड फेमस एफेक्शनेट एफेक्शनेट मतलब क्या होता है ये खास तरह का वर्ड है ठीक है ये हो गया आपका काइंडनेस के लिए पिटी के लिए और ऐसे लोगों की मदद करना जो बहुत ही ज़्यादा निर्बल हैं ठीक है थीके? जो अपनी सहायता खुद से नहीं कर सकते ठीक है उनकी सहायता करना ठीक है तो उनका मदर ट्रेसा का यही मोटिव रहता था ठीक है तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत ही पेंटिंग, फेमस पेंटिंग वर्ल्ड फेमस एफेक्सिनेट मदर ट्रेसा का यहाँ पे बनाया गया है ठीक है पेंटिंग और ऑयल एंड एक्रेलिक कलर की मदद से जो है कैनवास के ऊपर बनाया गया है ठीक है एम एफ हुसैन बनाए हैं नाइनटीन में ए में और ये एक सीरीज ऑफ पेंटिंग है कैनवास के ऊपर ठीक है अब देखिए आगे पढ़ते हैं ठीक है और इनका जो फेमस जो है ठीक है वेरियस वर्क फॉर्म्स को बताया गया ठीक है जो कि आपका रिलेटेड टू ह्यूमन सेंसेशंस हर इंस्टीट्यूशन ठीक है मतलब क्या कि ये जो है बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खड़ा कि ठीक है किसके लिए तो वो लोगों की मदद के लिए ठीक है यानी कि बहुत सारा इस तरह का काम की ठीक है जिसकी वजह से जो है लोग जो है इनको एज अ मदरुड ठीक है मानते हैं ठीक है और इनको एक एफेक्सनेट का दर्जा दिया गया ठीक है ओके okay, तो यहाँ पे समझ में आया बात यहाँ पे इनका काम क्या होता है रिलेटेड टू ह्यूमन सेंसेशन ठीक है यानी कि जो मानव लोग हैं ठीक है उनकी मदद करना और वो मदद कैसे करती थी वो अपने इंस्टीट्यूशन में मदद करती थी वो ठीक है जो पेंटर हैं यहाँ पर ठीक है ये यहाँ पे ब्लू बॉर्डर व्हाइट साड़ी बनाए ठीक है यानी कि व्हाइट साड़ी है उसके ऊपर ब्लू बॉर्डर किया हुआ है ठीक है तो पेंटर जो है ये बनाए हैं ठीक है कुछ इस तरह बनाया है वो ठीक है वाइट साड़ी के ऊपर ब्लू बॉर्डर ठीक है वो मतलब मदर ड्रेसर को पहनाया गया ठीक है और यहाँ पे जो कलरलेस फेस को फिर दिखाया गया ठीक है मतलब उनका जो फेस होगा मदर ड्रेसा का वो कलरलेस है ठीक है कलरलेस है ठीक है तो यहाँ से देखिए ये लाइन आपको पूरा पढ़ ही देते हैं ठीक है सो डैट आपको अच्छे से समझ में आए ठीक है द पेंटर हैज एक्सटेंडेड द ब्लू बॉर्डर वाइट साड़ी इन सच अवे डेट द कलरलेस फेस माइट बिकम डोमिनेंट विदाउट डिस्क्राइबिंग द सेंटीमेंट्स लाइक रिलीजियन कास्ट ब्रीड एंड अपार्टीड ठीक है समझ में आए बात देखिए यहाँ पे जो है पेंटर क्या किए हैं वाइट साड़ी के ऊपर ब्लू बॉर्डर किया हुआ साड़ी को यहाँ पे दिखाया है ठीक है मदर ड्रेसा में ठीक है और क्या किए यहाँ पर जो उनका फेस है उनको कलरलेस बनाया है ठीक है उसको ये कलरलेस बनाने के पीछे कारण क्या है ये चीज वो दिखाना चाहते हैं कि वो मदर ट्रेसा जो है मतलब उनका गुण को दर्शाना चाहते हैं ठीक है थीके? उनकी जो क्वालिटीज है उनको दर्शाना चाहते हैं क्या चीज कि देखिए ये जो फेस है ना पूरा ब्लैक है मतलब क्या ये अंधेरा है ठीक है एक डार्क है जो किसी अंधेरा में देखिए आप कोई भी चीज किसी को देख सकते हैं क्या एक अंधेरे रूम में चले जाइए कौन सा सामान कहाँ रखा है आपको पता चलेगा क्या नहीं पता चलेगा ठीक है उसी तरीके से यहाँ पर जो डार्क फेस बनाया है उसका मतलब ये है कि ये जो है किसी भी रिलीजन कास्ट ब्रीड ग्रीड और या फिर आपका जो अपार्टिड है उसको नहीं देखती है ये ठीक है वो सबका मदद करती हैं ठीक है थीके? वो मतलब किसी तरह भेदभाव नहीं करती है किसी में ठीक है कि रिलीजन क्या है उनका ठीक है या कौन से कास्ट के हैं ठीक है थीके? या फिर एपार्टीड ठीक है काले गोरे का रंग भेद ये सब नहीं करती है वो कुछ भी नहीं देखती है वो ठीक है और वो सिर्फ़ और सिर्फ वो उनका जो ह्यूमंस हैं उनकी मदद के लिए वो तैयार रहती है हर वक्त ठीक है वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है ठीक है ये जो अपहार्टिड वर्ड लिखा है ये आपको बहुत ज्यादा आप इससे परिचित होगा आपको ठीक है इनसे अपार्टेड एक पॉलिसी था आप सभी लोग पढ़े हैं इसको क्या होता है ये पता है ना आपको रंग भेद जो होता है ठीक है यानी कि आपका जो गोरे और काले का जो भेदभाव होता है ठीक है कि आ, जो काले लोग हैं वो लोग लो, लो कैटेगरी के हैं और जो वाइट लोग हैं वो लोग अपर कैटेगरी के हैं ठीक है इस तरीके से जो माना जाता था ठीक है और बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता था ठीक है उनको बहुत सारा जो है हक जो छीना जाता था ये जो अफ्रीका से शुरू हुआ था सबसे पहले ठीक है तो ये अफ्रीका से शुरू हुआ ठीक है और इंडिया में भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था बट यहाँ पे जो है कास्ट को लेकर था ठीक है तो ये गोरे काले को लेकर नहीं था यहाँ पे लेकिन कास्ट को लेकर था ठीक तो ये पार्टी जो है अफ्रीका में ज़्यादा था ये इसका ज़्यादा वहाँ पे चल रहा था ठीक है ये चीज़ आपको पता होगा ठीक चलिए वैसे नहीं भी पता था हम बता दिए खैर अब देखिए आगे पढ़ते हैं ऑन द वन साइड ऑफ द साड़ी शी इज गिविंग शेल्टर टू एन girl गर्ल represents रिप्रेजेंट द ऑर्फन होमलेस चिल्ड्रेन हैज़ shown शोन ठीक है इसका मतलब क्या हुआ देखिए यहाँ पे जो है क्या दिखाया गया मदर ट्रेसा है ठीक है ओके okay, उनके एक तरफ ठीक है एक साइड में दिखाया गया है उनको साड़ी में ठीक है ओके साड़ी है और साड़ी पहनी हुई है वो ठीक है और वो शेल्टर दे रही है यानी कि रहने को दे रही है ठीक है किसको एफेक्शनेट गर्ल को यानी कि एक लड़की है ठीक है बहुत ही मतलब प्यारी सी लड़की ठीक है और बहुत दया भाव होगा उन उसके अंदर ठीक है वो क्या है ऑर्फन है ठीक है उन उसके माँ बाप नहीं है ठीक है यानी कि उसके माता पिता नहीं है वो होमलेस है उन, उसके पास घर नहीं है रहने को वो क्या कर रही है उनको रहने के लिए दे रही है ठीक है तो मदर ट्रेसा जो है उस लड़की को रहने के लिए वहां पे शेल्टर दे रही है ठीक है तो एक साइड में वो बच, लड़की को दिखाया गया ठीक है आप देखिए दूसरे साइड में क्या दिखाया गया ठीक है उसको भी अभी हम लोग देखेंगे ठीक है ओके तो अब देखिए यहाँ पे ऑन द अदर साइड क्या दिखाए पेंटर एक सिक पर्सन है ठीक मतलब है एक बहुत ही मतलब बीमार व्यक्ति है ठीक है जो कि नीस के बल जो है बैठा है ठीक है उसको वो दिखाया है ठीक है अब देखिए यहाँ पे फिर क्या है राइट हैंड जो है वो क्या कर रही है सिग्नल दे रही है जैसे ठीक है राइट हैंड को से वो क्या कर रही है जैसे लग रहा है कि सिग्नल दे रही है वो ठीक है क्या चीज का वो होप दे रही है ठीक है यानी कि वो बोल रही हैं कि उम्मीद बनाए रखो ठीक है और सांत्वना दे रही हैं ठीक है थीके? तो वो राइट हैंड से वो वही चीज़ सिग्नल कर रही है ठीक है ऑफ कीपिंग ऑफ होप सोलेस एंड एंडोरेंस ठीक है तो एक सांत्वना रखना धैर्य रखना ठीक है सांत्वना दे रही है वो धैर्य रहने के लिए ठीक है और उम्मीद ना छोड़ने के लिए ठीक है उम्मीद को रखने के लिए ठीक है उस बीमार व्यक्ति को ठीक है तो इस तरीके से वो राइट हैंड से वो सिग्नल दे रही है ठीक है उसके बाद देखिए वो जो शेडो है ना जो ब्लू बॉर्डर और येलो कलर का साड़ी ठीक है ब्लू बॉर्डर और येलो कलर का साड़ी जो है दूसरी तरफ जो दिखाया गया है ठीक है उसका जो शेडो ठीक है उसमें जो है ग्रीन कलर का लीव्स जो है दिखाई दे रहा है ठीक है जो कि क्या है वो क्या दर्शाता है तो वो जो, जो ग्रीन कलर का लीव्स है वो दर्शाता है ठीक है और द इन्फ्यूज्ड देखिए ध्यान से पढ़िए इन्फ्यूज इन देम दैट द न्यूचरिंग ऑफ एन इन्फेंट एंड द एसेंस ऑफ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द लाइफ इन एफिक्शनेट लैब ठीक है तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो शेडो है ठीक है जो शेप एक बनाया हुआ है ठीक है एक शेप बना हुआ उसका है उसका शेडो पड़ रहा है ठीक है किसके ऊपर तो येलो कलर का जो साड़ी पहनी है उसके ऊपर जो ब्लू बॉर्डर किया हुआ है ठीक है उसके ऊपर शेडो पड़ रहा है क्या चीज का तो ग्रीन कलर का एक लीफ है ठीक है उसका शेडो पड़ रहा है एक इन्फेंट को वो ली हुई अपने गोद में ठीक है इन्फेंट हो गया जो न्यूबॉर्न बेबी होता है ठीक है तो उसका मतलब एक साल दो साल भी पूरा नहीं होता ठीक है मतलब बहुत छोटा ठीक है इन्फेंट जो हो गया न्यू बॉर्न बेबी ठीक है तो वो इन्फेंट को क्या किया अपने गोद में ली हुई है और उन उसको लेने के बाद ठीक है उसका ध्यान रख रही है ठीक है वो मदर ट्रेसा जो है क्या कर रही है वो ध्यान रख रही है ठीक है और उसको जो गोदी मिली हुई है ना उसके वजह से गोद में लेकर ठीक है उनको इतना मतलब खुशी मिल रहा है ठीक है बहुत ज़्यादा वो खुशी महसूस कर रही है ठीक है तो इस तरह से वो क्या किया यहाँ पर तीन फेज में जो है इस पिक्चर को डिवाइड किया गया है ठीक है पेंटर जो है बहुत सारे फीलिंग्स को यहाँ पे एक्सप्रेस किए ठीक है थीके, तीन फेजेज में समझ में आए बात पहला तो सेंटर पार्ट में आप देख रहे हैं जैसा कि ठीक है पिक्चर में दिख ही रहा होगा आपको ठीक है पेंटिंग हम दिखा ही रहे हैं आपको ठीक है क्या है आपका पेंटिंग में देखिए बीच में मदर ड्रेस है ठीक है और एक तरफ इधर आपको देख रहे हैं येलो एंड ब्लू कलर्ड ठीक है ब्लू बॉर्डर साड़ी ठीक है और उसके ऊपर एक इन्फेंट है ठीक है और दूसरी तरफ अगर आप देखिएगा तो एक गर्ल है जो कि नीज के बल बैठी है ठीक है तो वही जो है वो गर्ल क्या है एफिक्शनेट गर्ल है वही है ठीक है जो कि आपका ऑर्फन है और होमलेस है ठीक है और उसी को वो क्या कर रही है वो शेल्टर दे रही है ठीक है तो मतलब यहाँ पे जो है टोटली मदर ड्रेसा का जो कुछ कुछ क्वालिटीज है ठीक है तो मतलब कुछ कुछ क्या बेसिकली uh, सारा कुछ गुण जो है यहाँ पे बता ही दिया गया ठीक है बहुत शॉर्ट में ठीक है तो वही चीज़ यहाँ पर जो है वो बनाया है जो पेंटिंग में दर्शाए हैं वही चीज़ यहाँ पे लिखा था ठीक है जो आपको बता दिए ठीक है तो एक शॉर्ट समरी कर दे इसका उसके बाद आर्टिस्ट के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो अभी कहीं जाइएगा मत ठीक है एक थोड़ा सा हम चाहते हैं कि एक बार और फिर से थोड़ा सा समरी कर दिया जाए ठीक है जो लोग को बोर लग रहा है ठीक है वो स्किप कर दीजिए इसको ठीक है आगे बढ़ा के जो है आर्टिस्ट के बारे में देख लीजिए ठीक है चलिए तो हम इसको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं ठीक है देखिए मदर ट्रेसा एम एफ हुसैन द्वारा जो है बनाया बनाया गया है ये पेंटिंग को कैनवास के ऊपर ठीक है 1979 सेवेंटी में ठीक है ये आपका एक्रेलिक और ऑयल कलर का यूज़ करके जो है इस पेंटिंग को बनाया गया है और ये एक वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है इसलिए ये वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है क्योंकि ये मदर ट्रेसा का बनाया गया है ठीक है और जो कि एफेक्शनेट एंड अ काइंडफुल जो वुमेन थी मदर ट्रेसा उनके बारे में यहाँ पे बनाया गया ठीक है उनका जो ये वर्क जो वो करती थी ठीक है वो जो काम करती थी वो ह्यूमन सेंसेशन से रिलेटेड था ठीक है मतलब क्या सामाजिक जो होता है सेवा वो करती थी ठीक है वो अपने इंस्टीट्यूशन में जो है बेसिकली वो क्या करती थी मदद करती थी लोगों को लेकर आती थी अपने इंस्टीट्यूशन में और वहां पे लोगों की मदद करती थी ठीक पे है पेंटर यहाँ पे दिखाए हैं ब्लू बॉर्डर कलर का साड़ी ठीक है वाइट साड़ी है ब्लू बॉर्डर्ड है ठीक है ब्लू कलर का बॉर्डर है वाइट साड़ी के ऊपर वो दिखाए ठीक है मदर ट्रेसा को पहने हुए ठीक है और उनका जो कलर है जो फेस का वो ब्लैक है ठीक है यानी कि कलरलेस फेस है ठीक है जो कि दर्शाता है कि ये जो है किसी भी तरह का ठीक है विदाउट डिस्क्राइबिंग द सेंटिमेंट्स ठीक है ऑफ कास्ट ग्रीड ठीक है अपार्टिड ये सब से क्या एक है एकदम परे हैं ठीक है यानी कि कौन से कास्ट का है ठीक है ये सब कुछ भी मतलब भेदभाव नहीं करती हैं वो ठीक है सबको समान रूप से वो देखती हैं उसके बाद यहाँ पे क्या है आगे कि दूस एक साइड में जो है ठीक है जो मदर ड्रेस है ठीक है एक साइड ऑफ द साड़ी में आपको दिखाई देगा ठीक है साड़ी के एक तरफ ठीक है कि वो शेल्टर दे रही है एक अफेक्शीनेट गर्ल को जो कि ऑर्फन है ठीक है उसके माँ बाप नहीं है ठीक है और वो होमलेस है ठीक है उसके पास घर नहीं है रहने को ठीक है उनको वो क्या कर करिए ठीक है उसको वो क्या कर रही है शेल्टर दे रही है रहने के लिए घर दे रही है ठीक है उसके बाद जो है यहाँ पे दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही बीमार व्यक्ति दिखाई देगा नीस के बल बैठा हुआ है ठीक है मतलब लाइक किया हुआ है ठीक है मतलब एक तरीके से लेटा हुआ है नीस के बल ठीक है झुका हुआ है एक तरीके से और मदर ट्रेसा वो क्या कर रही है सांत्वना दे रही है उस पर्सन को ठीक है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा ठीक है सोलेस ठीक है सांत्वना देना होता है होप मतलब उम्मीद उम्मीद दे रही है ठीक है एंडोरेंस मतलब होता है एक तरीके से सांत्वना देना उम्मीद देना और एंड ठीक है कि एक तरीके से सहानुभूति वो प्रकट कर रही है अपना ठीक है और वो यहाँ पे जो है ये सब कुछ क्या कर रही है वो राइट right हैंड से सिग्नल कर रही है ठीक है तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं आप पिक्चर में ठीक है ध्यान से देखिए उसके बाद देखिए एक शेडो दिखाई दे रहा है ठीक है ब्लू कलर का बॉर्डर और वाइट येलो कलर का साड़ी है ठीक है साड़ी है और वहाँ पे एक शेडो दिखाई दे रहा है ठीक है तो वो शेडो क्या है लीफ है ठीक है लीफ का शेडो है वो जिसमें कि वो एक इन्फेंट को दिखाया जा रहा है ठीक है इन्फेंट को जो है क्या किए वो अपना एफेक्शनेट लैप यानी कि जो गोद है उसके ऊपर वो ली हुई है ठीक है और वो ऐसा फील कर रही है ठीक है कि उनको कितना ज़्यादा खुशी मिल रहा है ठीक है अपनी पूरी जिंदगी का जो खुशी है ना वो उनको उस गोद में लिए बच्चे को ले रहा है देख मतलब हाथ में लेकर उनको मिल रहा है ठीक है वो चीज़ को वो क्या करिए फील कर रही है ठीक है तो पेंटर यहाँ पे तीन फेज में पेंटिंग को बनाया है और अब ये फीलिंग्स को जो है दर्शाया है ठीक है तो यही था समरी अब चलिए हम लोग आर्टिस्ट के बारे में पढ़ लेते तो हैं ठीक है देखिए कितना टाइम लगा ठीक है तो लगभग पाँच मिनट लगा होगा ठीक है एग्जैक्ट नहीं बोल रहे आप एग्जैक्ट मत बोलिएगा ठीक है बट कहने का मतलब है कि एक बार बताना थोड़ा जरूरी था ठीक है क्योंकि ये जो है आपका बहुत समझने वाला चीज़ है ठीक है मदर ड्रेसा जो है आपका ठीक है चलिए अब यहाँ पे हम लोग आर्टिस्ट के बारे में पढ़ते हैं एम एफ हुसैन के बारे में तो मकबूल फिदा हुसैन ठीक है इनका जन्म हुआ था पंदेरपुर में ठीक है पंदेरपुर मध्य प्रदेश में ठीक है और सितंबर सेवनटीन नाइनटीन फिफ्टीन में हुआ था ठीक है ये जो है प्राइमरी एजुकेशन अपना लिए इंदौर से ठीक है उसके बाद ये एडमिशन करा लिए जे जे थॉमसन ठीक है जे जे स्कूल ऑफ आर्ट में ठीक है जो कि बॉम्बे में था यानी कि अभी मुंबई हो गया नाम तो मुंबई में था ये ठीक है जे जे स्कूल जो है आपका ऑफ़ आर्ट ठीक है वहाँ पे एडमिशन कराए उसके बाद जो है कुछ आ, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से वो फिर उनको छोड़ना पड़ा ठीक है उस आर्ट कॉलेज को ठीक है बेसिकली उसको छोड़ना पड़ा तो वो छोड़ दिए ठीक है उसके बाद जो है वो रहने लगे ठीक है कुछ पेंटिंग्स वगैरह बनाने लगे ठीक है वहीं रह वो क्या किए पेंटिंग्स वगैरह बनाने लगे पोस्टर्स बनाने लगे ठीक है जो सिनेमा हॉल में जो लगने वाला होता था ठीक है उससे रिलेटेड क्या करते थे वो पोस्टर बनाते थे ठीक है उसके बाद वो एक पेंटिंग बनाई जिसका नाम था सुनहरा संसार ठीक है और वो कहाँ पे बनाए थे तो एक एग्जीबिशन था ठीक है तो उस एग्जीबिशन में ये बनाए थे बॉम्बे आर्ट सोसाइटी बॉम्बई ठीक है बॉम्बे में एक एग्ज़िबिशन था बॉम्बई आर्ट सोसाइटी ठीक है वो ऑर्गेनाइज की थी तो वहाँ पे एग्जीबिशन था उसमें जो है ये सुनहरा संसार जो है नाम से एक बनाए थे ठीक है तो वो बहुत ही सुंदर था ठीक है बहुत ही अच्छा था 1947 में तभी तो इनका ही बस एक जो है एज अ फर्स्ट जो है रैंक इनको माना गया था ठीक है तो उनका इस वर्क की वजह से ठीक है ये जो काम जो किए थे इस एग्जीबिशन में जो ये सीरीज़ बनाए थे बहुत सुंदर था ठीक है और इसी की वजह से उनको इंटरनेशनली जो है लोग जानने लगे ठीक है मतलब बाहर में विदेशों विदेशों में भी लोग जो है इनको जानने लगे ठीक है और शुरुआती दौर में वो क्या किए वसूली स्टाइल में पेंटिंग बनाते थे वो ठीक है शुरुआती दौर में वो वसूली स्टाइल ऑफ पेंटिंग वो बनाते थे ठीक है उसके बाद फिर ये क्या करने लगे ब्राइट कलर्स का भी इस्तेमाल करने लगे कुछ ग्लिटरिंग कॉन्ट्रास्ट भी देने लगे अपने पेंटिंग में अलग अलग कलर्स से ठीक है और जो उनका जो फिर सीरीज ऑफ पेंटिंग जो रहा ठीक है जो बनाने लगे फिर वो रामायण महाभारत जैसे ऐसे वर्ल्ड फेमस जो था ठीक है जो पूरे जगत में पूरे जग में जो है ये पढ़ा जाता है सुना जाता है ठीक है देखा जाता है उसके ऊपर क्या करने लगे ये पेंटिंग बनाने लगे ठीक है और इसी की वजह से वो और भी ज्यादा फेमस होने लगे क्योंकि ये जो रामायण है महाभारत है ये हर कोई जो है ठीक है वर्ल्ड से बाहर हो गए ठीक है यानी कि आपका इंडिया से बाहर हो गया ठीक है पूरे वर्ल्ड में ठीक है लोग इसको देखते थे सुनते थे ठीक है अब एम एफ हुसैन जो है यहाँ पे अपना एक्सप्रेस अधिकतर जो करते रहे ठीक है पेंटिंग के द्वारा किस चीज को दर्शाते थे वो तो इनजस्टिस यानी कि जो अन्याय हो रहा है ठीक है ठीक है और या फिर वायलेंस जो आपका है यानी कि जो हिंसा प्रवृत्ति जो हो रहा है ठीक है उसको और डिजेक्शन जो एक तरीके से धुतकारना ठीक है किसी को ऐसे मतलब किसी से घृणा करना ठीक है उसको ही मतलब घृणा करते हुए उसको उस चीज से निकाल देना ठीक है उस चीज पे वो क्या करते थे तो बहुत ज्यादा पेंटिंग बनाते थे ठीक है इससे रिलेटेड ये जो तीन बातें बताए ना डिजेक्शन इनजस्टिस उसके बाद आपका वायलेंस ये तीनों चीज को लेकर ठीक है बहुत सारे पेंटिंग वो बनाए ठीक है मदर ट्रेसा भी जो है इसमें वो क्या चीज रिवील करता है लव वो प्यार उसके बाद जो होप यानी कि उम्मीद और जो दया है ठीक है यानी कि पिटी उसको दर्शाता है ये मदर ट्रेसा ठीक है वो चीज़ जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है वेयर एज जो हमारा वो सीरीज भी बनाया है, कुछ ऐसे सीरीज ठीक है जो कि ब्रिटिश के ऊपर था ब्रिटिश रिजाइम ठीक है जो कि एक्सप्रेस करता है कि बहुत नॉलेज है उनके पास ठीक है उसके ऊपर भी वो सीरीज बनाए थे ठीक है मतलब आ, कि जब हमारे ऊपर ब्रिटिश का हुकूमत था ठीक है तब जो है मतलब कितना नॉलेज क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा हमें आज कुछ किए ठीक है थीके? उसके ऊपर भी बनाया है वो पेंटिंग ठीक है उसके बाद जो है उनका फेमस पेंटिंग रहा गल्फ वॉल ठीक है के ऊपर था उसके बाद फिर आपका द थ्रिएटर ऑफ द एब्सर्ड एंड द स्प्लैश उसके बाद फ्रंट पेज ठीक है ये जो आपका यूरोपियन पेंटर से जो है जैसे पिवा पिकासो गए ठीक है पिकासो उसके बाद जुआन ग्रीस लेयर ठीक है ये जो ऐसे ऐसे, ऐसे फेमस यूरोपियन पेंटर्स थे ठीक है इन्हीं से बहुत ज़्यादा वो क्या हुए ठीक है इन्हीं को देखते हुए जो है हुसैन भी पेंटिंग्स करना शुरू किए मतलब बहुत ज़्यादा इन प्रभाव पड़ा इनके ऊपर ठीक है वो सारे फेमस पेंटर्स को देख ठीक है उनको भी मन करने लगा इच्छा जागा ठीक है और इसलिए वो भी जो पेंटिंग बनाने लगे ठीक है तो इसी तरीके से वो जो है लेकिन उनका जितना भी पेंटिंग रहता था कोई भी सिंगल स्टाइल पेंटिंग नहीं था उसमें दो तीन फिगर दिखाई देते थे ठीक है कभी भी एक सिंगल फिगर नहीं दिखाई देगा आपको ठीक है उसमें और उस स्टाइल का खासियत था कि वो कॉन्टेम्प्रेरी मॉडर्न पीरियड में बनाया गया था हालांकि ठीक है लेकिन उसका जो खासियत था कि जो आर्ट वो बनाते थे वो बहुत ही डीपली होता था ठीक है जो कि पास्ट से होता था ठीक है यानी कि जो पास्ट में जो घटनाएं हो चुकी हैं, उसके ऊपर ठीक है उसके बाद देखिए नेवर्थलेस ये जो थीम है उनका जो सोच है और ये जो स्टाइल है कॉन्टेम्प्रेरी और मॉडर्न था ठीक है और जो ओरिजनैलिटी है वो एकदम झलकता है ठीक है उनके इस पेंटिंग से ही और इनके यही सब काम की वजह से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इनको पद्मश्री पद्म, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से इनको सम्मानित की ठीक है इनको ये तीनों जो है आपका है तीनों जो बहुत ही क्या है नेशनल अवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रेशियस है ठीक है बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है ये तीनों के तीनों ठीक है पद्मश्री हो गया चाहे या तो फिर आपका पद्म भूषण हो गया या फिर पद्म विभूषण ठीक है तो ये तीनों अवार्ड किसी एक, एक ही इंसान को मिलना बहुत बड़ी बात है ठीक है तो ये तीनों जो है किसी को भी देखे होंगे ठीक है जनरली एक मिलता है ठीक है ये दो मिलता है लेकिन ये तो तीनों का तीनों जो है इनके पास है ठीक है डैट मीन्स कि ये बहुत ही परफेक्ट आर्टिस्ट है ठीक है इनका जो मीनिंग होता था ना बेसिकली जो पेंटिंग में बनाने का वो बहुत ही डीप रूटेड होता था इसी वजह से जो है इनको ये तीनों चीज़ें मिली ठीक है बहुत सारा इस तरह अपने लाइफ टाइम में बहुत सारा जो है ये बनाया है ठीक है उसके बाद देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी ठीक है वहाँ से ये डिग्री लिए डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर का ठीक है और, और ये वापस क्या हो गए मतलब ये जो है आपका एम एफ हुसैन बन गए ठीक है तो ये चीज़ जो है यहाँ पे दिखाया गया ठीक है लास्ट में लिखा है ठीक है तो हो सकता है इनका नाम क्या होगा, दूसरा कुछ होगा और ये बाद में नाम चेंज किया ठीक है आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ठीक है वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है और लाइक कर दीजिएगा ठीक है तो नोटिफिकेशन के, के लिए आपको करना क्या है सिंपल है आपको सब्सक्राइब पे बटन पे क्लिक करना है साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दे रखा होगा उस पर प्रेस कर दीजिएगा उससे होगा क्या नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा ठीक है जो भी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है नया नया वीडियोस उसका जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप सबसे पहले उसको देख पाएंगे ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए टेक केयर थैंक यू सो मच